नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नवनीत गौतम्स क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर और विशेष रूप से फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपकी क्लास चल रही है ऑनलाइन फिजिक्स की, जिसमें मैंने आपके लिए जो पार्ट बी है वो स्टार्ट कर रखा है, जिसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। उसके अंतर्गत आइए आज नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यूनिट है आपकी डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है और सिलेबस चेंज हुआ है आपको पता है, तो आपको कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। जितनी भी इससे पहली वीडियोज हैं सभी आपका इसी बुक का सिलेबस लगभग सेम है ना। कुछ टॉपिक बुक आने पर क्लियर हो जाएंगे कि वो है ना क्या क्या चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत माइनर चेंज इस बुक में हो सकता है, बाकी यूनिट सारी वे ही हैं जो पहले थी। पार्ट ए जो है हम इस पार्ट बी को करने के बाद करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हेडिंग क्या है, सेंटर ऑफ मास। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, इसे हिंदी में कहते हैं, मास को द्रव्यमान कहते हैं और सेंटर को आप जानते हैं क्या कहते हैं, केंद्र, यानी द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास क्या होता है आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है तो कोई वस्तु जो होती है उसका एक सेंटर होता है जिस पे वो स्थिर रह जाती है। जैसे मार्कर है ना, दिख रहा है आपको, ये रेस्ट पोजिशन में है यहाँ पे। तो रेस्ट पोजिशन में क्या है, इसका मतलब है कोई एक बिंदु, कोई एक पॉइंट ऐसा होता है हर वस्तु में जिस पोजिशन में वो पार्टिकल जो है या वो बॉडी है रेस्ट में रह जाती है, स्थिर रह जाती है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मान लो कोई भी बॉडी है तो उसका एक कोई पॉइंट होगा है ना, जिस पॉइंट पर उसका सारा मास जो है, उसका सारा द्रव्यमान जो है केंद्रित रहता है, सेंटर रहता है, तो उस पॉइंट को ही आप क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। यानी मैंने कहा किसी बॉडी को जैसे बैलेंस करते हैं ना इस तरीके से, और वो वस्तु रुक जाती है ना, तो वस्तु रुक जाती है ना, तो इस तरीके से यदि रुक जाए, देखो जैसे है ना ये रुक गया है, अब तो रुक कैसे गया, क्योंकि इसका जो इस पॉइंट पर है सारा का सारा मास सेंटर्ड है, सारा का सारा द्रव्यमान केंद्रित है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर देखना है आपको कि किस पॉइंट पर, मतलब जो बॉडी है उसका सारा मास सेंटर्ड है यानी केंद्रित है, तो उस पॉइंट को ही आप क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यानी किसी वस्तु का वह बिंदु जिस पर उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। यानी देखो इंग्लिश में तो मैं लिख ही देता हूँ, द पार्ट, कोई भी पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है ना, तो द पॉइंट ऑफ एनी बॉडी, किसी वस्तु का वह बिंदु, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट है, तो द पॉइंट, और पॉइंट किसका है, इस बॉडी का, द पॉइंट ऑफ एनी बॉडी, क्लियर है, तो द पॉइंट ऑफ एनी बॉडी एट विच, जिस पर, ठीक है, द पॉइंट ऑफ एनी बॉडी, किसी वस्तु का वह बिंदु, एट विच माने जिस पर, उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान यानी टोटल मास, तो एट विच, जिस पर टोटल मास, जो बॉडी का टोटल मास है ना, ऑफ द बॉडी या ऑफ दैट बॉडी, वही बॉडी होनी चाहिए जो पहले थी, ऑफ दैट बॉडी, ठीक है, तो द पॉइंट ऑफ एनी बॉडी, किसी बॉडी का वो पॉइंट जिस पर टोटल मास उसी बॉडी का कैसे रहता है, केंद्रित रहता है, सेंटर्ड रहता है, ठीक है, सेंटर्ड रहता है, तो आप उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट किसी बॉडी का जिस पर टोटल मास जो है उस बॉडी का कैसे रहता है, सेंटर्ड रहता है, केंद्रित रहता है, उस पॉइंट को ही आप क्या कहते हैं, इज नोन एज, लिख लेंगे ना पूरा, इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो बात समझ आई, कोई बॉडी है उसका कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर उस बॉडी का टोटल मास, संपूर्ण द्रव्यमान कैसा हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा, है ना, तो उस पॉइंट को ही आप क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, और इसे सी एम से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी सेंटर ऑफ मास, क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन मैंने आपको दी, इसे आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे।
ठीक है, आप आगे चलिए, देखो हेडिंग लिखी है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र, और किसका, किसी निकाय का, किसी सिस्टम का, क्लियर है। तो कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, यानी सिस्टम किसका है, पार्टिकल्स का है, कणों का निकाय है ना, तो किसी कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र आप लिख लेना जो हिंदी मीडियम वाले हैं। तो सेंटर ऑफ मास किसका है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का है, यानी पूरा सिस्टम है जो किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखो इस तरीके से, देखो कोई भी आकृति बना लो, कोई भी एक सिस्टम हो सकता है ना, तो कोई भी एक सिस्टम है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, पार्टिकल्स यानी कणों से मिलकर बना है। तो मान लो जिन कणों से, पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उसमें पहले का मास m1 है, मास यानी द्रव्यमान, दूसरे का m2 है, ठीक है, इसी प्रकार करते करते तीसरे का क्या हो जाएगा, m3 हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे करते करते सबसे लास्ट में मान लो इसमें जो पार्टिकल है वो कितना, कितने पार्टिकल हैं, n पार्टिकल हैं, तो बीच में बहुत सारे पार्टिकल हैं, सबका नहीं दिखा सकते, तो पहला दूसरा तीसरा और सबसे nth पार्टिकल का आपने दिखा लिया है। ठीक है, तो पहले पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे का m2 है, तीसरे का m3 है, और इसी प्रकार लास्ट का जो nth पार्टिकल है उसका मास कितना हो जाएगा, mn, क्लियर है। और इन मासेस की जो डिस्टेंस है उसे नापेंगे विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष। तो देखो ठीक है, और तीसरा यहाँ पे है, और ये आपका लास्ट वाला है जिसे आप एन एथ पार्टिकल कह रहे हैं, ठीक है, एनवा पार्टिकल, एनवा कण है ना। तो पोजीशन वेक्टर आप लोग जानते होंगे, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किससे बना है, कणों से मिलकर बना है, ऐसे बहुत सारे कण हैं ना, क्लियर है, लेकिन हमने केवल कुछ कण दिखा रखे हैं अपने डेरिवेशन को करने के लिए, ठीक है जी। चलो ठीक है, तो एक पार्टिकल है, यानी पार्टिकल क्या है, एक सिस्टम है, किसका, पार्टिकल्स का, कणों का निकाय है एक, जिसमें बहुत सारे कण हैं, कहाँ तक हैं, एन पार्टिकल्स हैं, क्लियर है, और उन सब का जो पोजीशन वेक्टर है यानी जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन यानी मूल बिंदु के सापेक्ष यानी विद रेस्पेक्ट टू देखेंगे, है ना। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, स्थिति सदिश, यानी ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बताता है, स्थिति के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश कहते हैं। देखो तो m1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर r1, m2 का जो है वो वेक्टर r2 हो जाएगा, और इसी प्रकार m3 का वेक्टर r3 हो जाएगा, और इसी प्रकार n r वो mn का वेक्टर rn हो जाएगा, क्लियर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, स्थिति सदिश, आपने पढ़ा होगा ये 11th क्लास में, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आपको जो देखो एक बार बताओ, ये बॉडी है पूरी, है ना, और मैंने बताया किसी बॉडी का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है यानी द्रव्यमान केंद्र होता है। तो देखो इसका भी तो एक सेंटर ऑफ मास होगा, इसका भी तो है ना सेंटर होगा, इस पूरे मास का ऐसा पॉइंट होगा जिस पर इस पूरी बॉडी का सेंटर मास जो है सेंटर्ड है, तो उस पॉइंट को आप क्या मान लो, सी एम मान लो, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो इसका भी तो पोजिशन वैक्टर होगा, तो जो इसका पोजिशन वैक्टर है मान लो कितना है, वेक्टर आर सी एम, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर सी एम, क्लियर है। तो देखो इसके लैंग्वेज के बारे में आपको ये लिखना है, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, क्लियर है, एक सिस्टम है एन पार्टिकल्स का, ठीक है, ऑफ मासेस, जिनके द्रव्यमान क्या क्या है, मासेस एम वन कोमा एम टू कोमा एम थ्री डैश डैश एम एन, क्लियर है, फुल स्टॉप। और फिर आपको क्या कहना है, लेट वेक्टर आर वन कोमा वेक्टर आर टू कोमा वेक्टर आर थ्री एंड सो ऑन वेक्टर आर एन बी द पोजिशन वेक्टर, यानी स्थिति सदिश है, ऑफ दीज पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, मूल बिंदु के सापेक्ष, क्लियर है। और आर सी एम क्या है, वेक्टर आर सी एम, तो देन वेक्टर आर सी एम है पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही आपको निकालना है। तो देखो देन पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, देन पोजिशन वेक्टर किसका, ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का क्या निकालना है, पोजिशन वेक्टर,
तो देखो वेक्टर RCM हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे क्या होता है, M1 वेक्टर R1, M2 वेक्टर R2, और कहाँ तक है ये लास्ट वाला बताओ, MN वेक्टर RN, क्लियर है। और अपोन में क्या जाएगा, M1 प्लस M2 और प्लस कहाँ तक, प्लस M3 है ना, ऐसे करते रहेंगे और लास्ट में MN। तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्लियर है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यानी द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है ये। और देखो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो एक बार बताओ, सारे पार्टिकल्स का जो मास है यदि जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, तो टोटल बॉडी का मास ना जाएगा, तो सारे कणों का, भाई एन पार्टिकल्स से मिलकर बनी है बॉडी, और उन सबके मास को जोड़ दो तो किसका मास आ जाएगा, टोटल बॉडी का, पूरी बॉडी का मास आ जाएगा, यानी कैपिटल M मान लिया मैंने, और ये क्या है, मास ऑफ बॉडी, ठीक है। तो आप इसके प्लेस पे क्या रख सकते हो, कैपिटल M। तो वेक्टर RCM आपका क्या आ जाएगा, भाई ये तो 1/M बाहर ले लो, और अंदर क्या बचा, ऐसे हो जाएगा M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2, और ये कहाँ तक चल रहा है, MN वेक्टर RN, ठीक है जी। अब देखो आपको पता है सम हो रहा है, सबका योग हो रहा है ना, तो योग के लिए, सम के लिए क्या करते हैं, 1/M तो ऐसे रखो, और आपको पता हो सिग्मा लगा देते हैं, जो सिग्मा है ये सिग्मा होता है बड़े वाला सिग्मा, छोटा सिग्मा ऐसे होता है, तो सिग्मा जो है ये समीशन कर देता है, सम कर देता है, योग कर देता है, तो सब में प्लस प्लस आ रहा था ना, तो इसलिए सम कर दिया। और एक जनरल टर्म लिखो, एक सामान्य पद लिखो, तो एम आर था, 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या n आ रहा है, इसी प्रकार हम मान लें कि MI वेक्टर RI, भाई देखो I की जगह 1 रखोगे तो पहली टर्म आ जाएगी, I की जगह 2 रखोगे सेकंड टर्म आ जाएगी, और इसी प्रकार करते करते I के स्थान पर n रखेंगे तो लास्ट वाली टर्म आ जाएगी। इसका मतलब है जो I है ना वो 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक है। तो ये आया आपका, है ना, एक तो एक्सप्रेशन ये है और एक ये है इसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का। तो हेडिंग क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी आवेश हो के, वो कणों के निकाय के लिए आपको सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र समझना हो तो इस प्रकार से मैंने समझाया है। और उसका क्या निकाला है, पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलो आगे, तो आप हेडिंग देख सकते हैं, कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यानी द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय घटक। कैसे करना है देखो, कार्टेशियन कंपोनेंट्स आप जानते हैं, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, एक्स होगा, स्मॉल एक्स, जो कोऑर्डिनेट्स है ना, जो निर्देशांक होते हैं, भाई एक्स अक्ष का निर्देशांक और क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट, एक्स होता है, वाई एक्सिस का वाई होता है, और जेड एक्सिस का जेड होता है, यही तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो एक्स वाई जेड की टर्म में आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, इसे ही कार्तीय घटक कहते हैं, ठीक है, कार्तिकीय भी कहते थे, है ना, देख लेना, तो कार्तिकीय हो सकता है, कार्तीय हो सकता है ना, तो सेंटर ऑफ मास जो है बताना है किसकी टर्म में, कार्टेशियन कंपोनेंट्स की टर्म में, यानी एक्स वाई और जेड की टर्म में। ये फॉर्मूला मैंने, है ना, छोड़ दिया है क्योंकि इसकी हेल्प लेंगे, तो इसमें क्या करना है आपको, लिखेंगे आप वी नो दैट क्या जानते हो, ये लिखना है वी नो दैट पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो पोजिशन वैक्टर है सेंटर ऑफ मास का वो क्या है, देखो ये रहा, मैं इधर लिख देता हूँ, वैक्टर RCM कितना है आपने देखा है, 1/M ये तो होता है, और ये सिग्मा आई 1/N MI वेक्टर RI, क्लियर है। तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, और ये आपको याद रखना है, जो फॉर्मूले बॉक्स में बंद होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं, ठीक है, और बॉक्स में बंद कर दिया करो, आपकी राइटिंग तो अच्छी होनी ही चाहिए, साथ में आप कभी भी एग्जाम में लिखें चाहे नोट्स बनाएं अपने फेयर, है ना, सबको बहुत सुंदर सजाया करो, बहुत सुंदर, है ना, अपनी तरह
अपनी तरह, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। तो क्या करें, जो आप बॉक्स में बंद करते हो उसे स्केच से बंद किया करें, है ना। तो और बाकी जो हेडिंग होती है, जैसे इस तरीके की हेडिंग है, उन पर भी अंडरलाइन किया कीजिए स्केच से, है ना। एग्जाम में इस बात का बहुत इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, है ना, बहुत इंप्रेशन पड़ता है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। क्योंकि समझ रहे हैं ना आप, सुंदरता बनानी जरूरी है कॉपी की, क्योंकि उसकी एक तरीके से इंप्रेशन अलग ही पड़ता है, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है, है ना। उसे लगता है कि वाकई में कितने अच्छे तरीके से लिख रखा है क्वेश्चन को। और फिर सुंदर सुंदर राइटिंग में कहीं कोई गलती भी हो गई ना, तो ध्यान भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपको निकालना है कार्टेशियन कंपोनेंट्स, है ना। तो इसकी हेल्प लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो आप एक बताओ मुझे, वेक्टर आर सी एम, वेक्टर आर क्या होता है, ये तो आपको पता है। वेक्टर आर क्या होता है कार्टेशियन के टर्म में, एक्स आई कैप, है ना, ये तो पता होगा 11th से, प्लस वाई जे कैप, और न्यूमेरिकल भी तो कराए थे कर्ल वगैरह के, ग्रेडियंट के, उसमें भी इस तरीके का पोर्शन आया था। तो वेक्टर आर ये होता है, लेकिन हमें वेक्टर आर आई की आवश्यकता है। तो एक्स आई हो जाएगा, वाई आई हो जाएगा, और जेड आई हो जाएगा। इसी प्रकार वेक्टर आर सी एम की ज़रूरत है हमें। तो वेक्टर आर सी एम देखो क्या हो जाएगा, ये तो जाएगा एक्स सी एम आई कैप, है ना, प्लस वाई सी एम जे कैप, और प्लस जेड सी एम के कैप। इन दोनों की जो वैल्यू है फर्स्ट में रख दो, या आप पहले इन्हें लिख सकते हो फिर इसे लिख लो, फर्स्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इक्वेशन के, ना। तो वैल्यू रखो, देखो एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप, है ना, वेक्टर आर सी एम की वैल्यू रख रहे हैं, और ये हो जाएगा जेड सी एम, क्या है ये, के कैप, ठीक है। उधर आओ, वन अपॉन एम, और ये है सिग्मा आई इज इक्वल्स टू वन टू एन, और ये एम आई है, वेक्टर आर आई की वैल्यू रखो एक्स आई आई कैप, है ना, वाई आई जे कैप, और जेड आई के कैप, ठीक है, समझ आ रहा है। वैल्यू रखी है बस, दोनों तरफ कंपैरिजन करो आई जे और के कोफिशेंट्स की। तो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ साइड्स, लिख लोगे नई लाइन, दोनों तरफ आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ कोफिशेंट्स, है ना, ये होते हैं गुणांक, गुणांक बोलते हैं ना, कोफिशेंट्स को क्या कहते हैं, गुणांक, है ना। चलो तो देखो एक्स सी एम निकल जाएगा, ऐसे वाई सी एम आ जाएगा, और जेड सी एम आ जाएगा। देखो मैं इधर लिख देता हूँ, तो देखो एक्स सी एम किसके बराबर बचा, एक्स आई, है ना, आई आई के कोफिशेंट देखो आप, तो एक्स सी एम है इधर, तो इधर आई की मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स सी एम है, और इधर आई की मल्टीप्लाई में एक्स आई है, लेकिन बाहर ये भी तो लग के आएगा, तो इधर आ जाएगा ये सिग्मा आई इज इक्वल्स टू वन टू एन, और यहाँ क्या है एम आई, और इनटू में एक्स आई, ठीक है जी। इस तरीके से ये एक्स सी एम निकल गया। इसी प्रकार आपको वाई सी एम निकालना है, अब तो आप लिख लेंगे ना। तो देखो वाई सी एम क्या जाएगा, वन अपॉन कैपिटल एम सिग्मा आई इज इक्वल्स टू वन टू एन, और ये आ जाएगा एम आई, और इनटू वाई आई, ठीक है जी। और देखो जेड सी एम इसी प्रकार, तो क्या आ जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल्स टू वन टू एन, और ये जाएगा एम आई इंटू जेड आई, ठीक है। तो ये एक्स सी एम वाई सी एम जेड सी एम आपको निकालने थे और आपने निकाल दिए हैं, ठीक है। तो ये आपके कार्टेशियन कंपोनेंट्स आ गए सेंटर ऑफ मास के, यानी द्रव्यमान केंद्र के कार्तिकीय या कार्तीय घटक आ गए हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। आइए देख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको निकालनी है, यानी द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, देखो इसमें भी हेल्प आपको यही लेनी है, आप यही लिखेंगे वी नो दैट, क्या देखो पोजिशन वैक्टर किसका, सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। और एक बात सुनो ध्यान से, जो डायग्राम मैंने पोजिशन वैक्टर को निकालने के लिए बनाया था ना, तो वहाँ से जो लैंग्वेज थी, जो डायग्राम था, और जो वेक्टर आरसीएम निकल के आया, वेक्टर आरसीएम आपको यहाँ तक आया ना, ये
ये वाला जो आया है आपका है ना इस तरीके से। तो यदि ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, ठीक है, तो आप यहाँ तक का जो डेरिवेशन था अभी मैंने आपको कराया था ना, पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी उसमें हेडिंग लिखवाई थी मैंने सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो उसके अंतर्गत पोजिशन वैक्टर निकलवाया था ना, तो उस डेरिवेशन को ही यहाँ तक करना है, यहाँ तक, और इसके बाद फिर वेलोसिटी पे चलना है। तो यहाँ तक का डेरिवेशन तो करना है, ऐसे नहीं करना कि यहाँ से उठाया और फिर उसके बाद क्या कर दिया है, यहाँ तक वो डेरिवेशन करना है और यहाँ तक है ना, और फिर उसके बाद जो मैं करा रहा हूँ वो भी करना है, समझ गए। चलो तो वेक्टर आरसीएम है, अब देखो कुछ आपको वेलोसिटी निकालनी है। ये क्या है, एक तरीके से पोजिशन वैक्टर है, तो एक तरीके से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये वैक्टर क्वान्टिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वैक्टर क्वान्टिटी होता है, और डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वान्टिटी, क्लियर है। दूरी क्या है, अदिश राशि है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि। चलो तो देखो क्या करेंगे, आप डिफरेंशियल कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। देखो डी वेक्टर आर सी एम अपॉन क्या आ जाएगा, डी टी, और बराबर में क्या आएगा, वन अपॉन एम, भाई इधर का डिफरेंशियल कर दिया है और इधर का डिफरेंशियल वैसे तो होगा तो, लेकिन कॉन्स्टेंट बाहर आ जाते हैं, चलो एक अगली लाइन में बाहर कर लेंगे, तो इधर भी डी अपॉन डी टी, और ये सारा वन अपॉन एम, ये क्या है, सिग्मा आई इक्वल्स टू वन टू एन, और ये एम आई, और ये वेक्टर आर आई, ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब क्या करना है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाते हैं, आपको पता है डिफरेंशियल से कॉन्स्टेंट बाहर आ जाते हैं, तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो, ठीक है। लेकिन डी आर सी एम, चलो अभी करेंगे इसे, अभी फिलहाल ऐसे ही लिख लो, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लो सारे, वन अपॉन एम कॉन्स्टेंट है, ये भी तो कॉन्स्टेंट है, सिग्मा आई इक्वल्स टू वन टू एन, और ये है एम आई, और ये डी वैक्टर आर आई अपॉन डी टी, भाई डी डी अपॉन डी टी जो है ना इसके साथ चला गया, ठीक है। अब एक बार बताओ, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको, चलो फिर इसके आगे का इधर देख लीजिए। देखो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, चलो मैं इधर बता देता हूँ, डी एस अपॉन डी टी, ये होता है वेलोसिटी, वेग है ना, डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है, ये डी टी क्या है, समय अंतराल टाइम इंटरवल है, और ये है वेलोसिटी, तो दोनों का रेशियो डिस्प्लेसमेंट का और टाइम इंटरवल का क्या होता है, वेलोसिटी होता है, विस्थापन और समय अंतराल का जो अनुपात है उसे वेग कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाएगी, तो अगली लाइन में क्या आ जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, लेकिन सी एम आ रहा है सफिक्स में, तो वेलोसिटी में भी क्या आ जाएगा, सफिक्स में सी एम, और वन अपॉन एम, और ये सब ऐसे रहेगा, वन अपॉन एम सिग्मा आई इज इक्वल्स टू वन से कहाँ तक है, एन तक, और एम आई बिल्कुल एज इट इज रहेगा, और आप देखेंगे ये भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो ये भी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी, ठीक है, लेकिन सफिक्स में आई है तो आई ही रहेगा, तो ये वेलोसिटी निकल के आ गई किसकी, सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। तो यही हमारी हेडिंग थी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेकिन मैंने बताया आपको कि यहाँ तक का डेरिवेशन जो वेक्टर आरसीएम वाला डेरिवेशन है ना, यहाँ तक पूरा करना है, उसके बाद ये कुछ लाइनें करनी है आपको, कभी आपका डेरिवेशन यदि एग्जाम में आ जाए तो आप यहाँ से लेकर फिर इतना ही करो, ऐसा नहीं करना है, समझ गए ना बात। चलो फिर इसे नोट करो, आगे चलते हैं, ठीक है, आइए देखो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, ये जो हेडिंग है नेक्स्ट, वो क्वेश्चन भी देखो इस प्रकार से आ सकता है, क्वेश्चन है कि सो दैट, सिद्ध करना है इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो बाह्य बल हैं, उनकी अब्सेंस में यानी उनकी अनुपस्थिति में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेंस कॉन्स्टेंट, जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन शर्त क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनकी अब्सेंस होनी चाहिए, यानी उनकी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, यानी जब कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तब जो द्रव्यमान केंद्र का वेग है वो कैसा रहता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है, ये बात आपको सिद्ध करनी है, ठीक है, क्वेश्चन समझे आप। और दूसरी हेडिंग ये भी आ सकती है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आ जाए, जैसे आप अभी आपने वेलोसिटी निकाल लिया है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी आ सकता है, तो भी आपको है ना ये डेरिवेशन कहाँ तक करना है वो खुद ही समझ जाओगे जब एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा,
तो केवल वहां तक हो जाएगा एक्सेलरेशन के लिए, है ना। तो एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। और देखो एक ये भी कह सकता है कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं और हेडिंग भी बहुत सारी बन सकती है, तो मैं करा देता हूँ, साथ में मैं लिखवा दूंगा कि ये किसका एक्सप्रेशन है, ये किसका है और ये किसका है, समझ रहे हैं ना। चलो तो देखो यदि ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से उठा लो, वी नो दैट भाई एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन तो तब निकलेगा ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, त्वरण का क्या होता है, त्वरण बोलते हैं हिंदी में, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जब वेलोसिटी पता हो, क्लियर है ना, तो वेलोसिटी का डिफरेंशियल, या आप ऐसे भी कह सकते हो डीटी, वो डीवी अपॉन डीटी, ऐसे भी तो कह सकते हो स्मॉल के लिए। तो ये कब निकलेगा एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी पता होगी। तो इसका मतलब है पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको लिखना है इसके सॉल्यूशन में, वी नो दैट, हम जानते हैं ये इसका सॉल्यूशन है, और यहाँ तक बिल्कुल सेम करना है, बिल्कुल एज इट इज, क्लियर है। और उसके बाद अब क्या करना है, देखो जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी लानी थी तो डिफरेंशियल किया, अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन लाना है तो फिर डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो लिखो अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, टी के रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपॉन में टाइम होता है ना। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि अपॉन में टाइम आएगा तभी तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी बना था, और इसी प्रकार अब जो वेलोसिटी अपॉन टाइम है वो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, डी वी सी एम अपॉन डी टी, ठीक है, और ये वन अपॉन एम, देखो अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, बाहर नहीं लिख रहा, डायरेक्ट है ना, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, और आई इज इक्वल्स टू वन से कहाँ तक है, एन तक, एम आई एज इट इज, और डी वी आई अपॉन डी टी, ठीक है। मैंने बता दिया है आपको, साइड में आप लिख सकते हैं बाकी, कि डी वी अपॉन डी टी जो होता है वो क्या होता है, ए होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, साइड का दिख रहा है आपको, चलो दिख रहा होगा ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, आप दिख रहा है, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, लेकिन सफिक्स में सी एम है तो ए सी एम लिखना पड़ेगा, और ये वन अपॉन एम सिग्मा आई इज इक्वल्स टू वन टू एन, और ये एम आई, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए आई। तो देखो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का व्यंजक एक्सप्रेशन निकालना था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन भी निकल गया है, तो इतना आए तो फिर यहाँ तक करना है, ठीक है। तो दो दो चार चार लाइन बढ़नी है बस, और कुछ नहीं होना, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कि सो दैट सिद्ध करना है कि एब्सेंस किसके, एक्सटर्नल फोर्स की, तो एक्सटर्नल फोर्स की ओर चलते हैं। तो देखो ध्यान देना, एम की इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एम ए सी एम, और ये बचेगा सिग्मा आई इज इक्वल्स टू वन टू एन, और एम आई, और वेक्टर ए आई। हाँ मैं एक बात और आपको बता दूं, जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास थी ना, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जैसे वेक्टर आर सी एम था ना, उसे बंद करके लिखा था, तो इसी प्रकार इसे आप खोल के भी लिख सकते हो, बंद करके भी लिख सकते हो, उसे भी खोल के भी लिख सकते हो। देखो कैसे, ये जो एम आई वी आई है ना, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम वन वी वन है ना, प्लस एम टू वी टू है ना, समझ रहे ना। और कहाँ तक है, एम एन वैक्टर वी एन, और अपॉन में क्या रहेगा, एम को आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, समझ रहे हो ना, ये भी है। तो वेलोसिटी का वो शॉर्ट फॉर्म है, और ये क्या है, ये इसकी लॉन्ग फॉर्म है, क्लियर है। इसी प्रकार यही बात एक्सेलरेशन पे भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन हम इतने इसे लेके चलेंगे तो डेरिवेशन में बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे, लिखने में टाइम लगता है, तो शॉर्ट फॉर्म से लेके चलेंगे, क्योंकि बुद्धिमानी भी इसी में है, ठीक है ना। अब देखो हमें ये क्वेश्चन करना है कि एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस, तो पहले एक्सटर्नल फोर्स तो बना लें, तो एम की मल्टीप्लाई की, और आपको पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ आपने पढ़ा है इसी यूनिट में, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, जो चीज़ है ना यूज करते हैं साइड में लिख दिया करो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। तो एम ए सी एम ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल, ठीक है भाई, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ए क्या है, ए सी एम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, लेकिन है तो एक्सेलरेशन ही,
और ये क्या है, फोर्स हो जाएगा। फोर्स भी कौन से वाला, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स और ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा। तो देखो यहां से ना आपका ये हो जाएगा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सेम है यहां तक, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल एज इट इज उतार लिया और ये एम ए सी एम क्या बन गया, एफ एक्सटर्नल बन गया, क्लियर है। तो यहां से आप एक बार देख के बताओ एम ए सी एम किसके बराबर आ गया, एफ एक्सटर्नल के, ठीक है। तो आप इसे भी बॉक्स बंद कर सकते हो, क्या पता आपसे एक्सटर्नल फोर्स ही निकलवा लें, ठीक है ना। तो जितने भी एक्सप्रेशन में बॉक्स बंद करवा रहा हूँ फिर निकलवा सकता है आपसे। तो आपसे यदि वो कह दे कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स फॉर सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ मास की जो मोशन है उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स निकालिए जो बॉडी पर वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है कि वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास की वो कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट। तो एक बार बताओ इसमें जो है ना ये दोनों बराबर ले लो, देखो ध्यान दो, यहाँ से ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों में क्या है, बराबर हैं। तो एफ एक्सटर्नल देखो क्या आया, एफ एक्सटर्नल क्या आया, एम ए सी एम, यही तो आया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी बन गया कि एफ एक्सटर्नल किसके बराबर आया, एम ए सी एम के, ठीक है। बाकी देखो मैं इधर से रफ कर रहा हूँ तो फिर आगे चलते हैं, है ना। और आप रफली नोट्स ज़रूर बनाया करो क्योंकि इस चीज़ से सीखते हो आप, हालांकि आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं लेकिन क्लास करते टाइम आप लिखा जरूर करो, भले ही रफली लिखा करो, थोड़ा थोड़ा लिखा करो, समझ समझ के क्लास करा करो, है ना। हाथ पे हाथ धर के बैठने से तो देखो कुछ नहीं मिलता है, माइंड एक्टिव तभी रहता है क्लास करते समय जब आप बाइंडर लेके बैठते हो, बाइंडर और पेन, माइंड तो एक्टिव तभी रहेगा ना, अन्यथा आराम की मुद्रा में आप लेट कर भी वीडियो देख सकते हो, है ना। और समझ रहे हैं ना, तो शरीर को जितना, चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि शरीर को जितना आराम दोगे शरीर उतना ही आराम चाहता है ना, यानी शरीर जितना आराम पाता है उतना ही चाहता है। तो शरीर को आदत जैसी डालेंगे ना आप वैसे ही आदत डल जाएगी, ये कोई चिंता का विषय नहीं है कि कोई करने वाले हैं जो है ना वो 18-18 घंटे भी काम करते हैं तब भी नहीं थकते हैं और कोई 6-7 घंटे भी ही थक जाता है। तो सारी चीज़ ब्रेन से है, माइंड से है, सब कुछ है ना, जैसा सोचेंगे आप वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगेगा, ठीक है। इसलिए आप तो कहते हैं कि शुभ सोचना चाहिए ना, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, ये बात है ना माननी चाहिए हमें। आगे देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये निकालना है, ये तो हमने निकाल दिया, हाँ करना क्या है, सो दैट अब्सेंस, यदि एक्सटर्नल फोर्स की अब्सेंस है तो वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास की कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो आइए वहां से आगे देख लेते हैं। तो इसने कहा अब्सेंस है एक्सटर्नल फोर्स की, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आपका कितना है, जीरो, ठीक है जी। एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो। तो देखो एम ए सी एम कितना आ जाएगा यहां से, फिर एम ए सी एम कितना हो जाएगा, जीरो। एम अपॉन में चला जाएगा तो ए सी एम कितना आ जाएगा, जीरो। और ए सी एम को आप लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि आपको पता है जो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज का रेट, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो डी वी सी एम अपॉन डी टी, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से पता है डिफरेंशियल के बारे में एक बात कि जिसका डिफरेंशियल, देखो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो, आपको ये बात पता है, ठीक है, कि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो। और इससे अपोजिट बात नहीं होती है कि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल तो जीरो है ही, लेकिन जिसका डिफरेंशियल जीरो है वो भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। बात समझ गए, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल जीरो है एक बात, और इसकी अपोजिट बात क्या है कि जिसका डिफरेंशियल जीरो आ रहा है तो इसका अर्थ वो क्या है, कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट का ही तो डिफरेंशियल जीरो आता है, तो जिसका डिफरेंशियल जीरो आ रहा है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डी वी सी एम अपॉन डी टी का डिफरेंशियल जीरो आ रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये जो वी सी एम है ना ये कॉन्स्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशियल केवल कॉन्स्टेंट का ही जीरो आता है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकल जाएगा अपोजिट, वी सी एम जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। और कब हुआ ये वी सी एम कॉन्स्टेंट, जब एफ एक्सटर्नल कैसा था, जीरो। तो इसका मतलब ये बात सिद्ध हो गई, हैंस प्रूव्ड, लिख दो आप इस पर, है ना, ठीक है।
तो सो दैट हमने सिद्ध करना था कि अब्सेंस एक्सटर्नल फोर्स की है तो है, तो है एब्सेंस, तो वेलोसिटी कैसी होगी? कॉन्स्टेंट होगी। तो वेलोसिटी कैसी हो गई? कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं। आप यहाँ तक बहुत अच्छे से है ना रफली नोट्स बना करके पढ़ा करो, तैयार कर लेना चीज़ों को, डेरिवेशंस को, जो भी चल रहा है सब टॉपिक, उन्हें अधिक से अधिक बार लिख लिख कर देखा करो, तभी तैयारी अच्छी मानी जाएगी ना। बाकी पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में मिलते ही हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, यदि आप ज्वाइन नहीं है तो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, तो वहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते रहेंगे जिससे आप फेयर नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।